भाई यार पेट्रोल पंप का जो मैनेजर होगा वो यहीं पे होंगे, बात करनी थी भाई जी उनसे। कहाँ हैं? मैं तेल डला के गया था 400 का, तो मेरी गाड़ी में ना 300 का डला था, मेरे पे वीडियो रिकॉर्ड के साथ ऑन कैमरा प्रूफ है। 400 का भाई एक्स्ट्रा डाल दे यार भाई। है भाई एक्सीलेटर दूँ। हे गाइज वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइज होप करता हूँ आप सब बड़े होंगे। तो गाइज आज का कुछ सीन ऐसा है, आज हम पेट्रोल पंप पे जाने वाले हैं। अभी कल परसों हम रात में कुछ पेट्रोल वगैरह भरवाने मतलब नाइट आउट पे निकले थे, ऐसे 11-12 बजे के आसपास रात के। तो हमने एक जगह से बाइक में फ्यूल अप करवाया, तो वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत डाउट था। बाकी आप लोगों को एक बार स्क्रीन पे वीडियो चेक करवा दूंगा, बाकी आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर ले, और इंस्टाग्राम पे बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है मुझे आप लोगों का। तो गाइज अभी सीन कुछ ऐसा है, मैं आप लोगों को वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ जो कि उस दिन रात में हमारे साथ जैसा भी इंसिडेंट हुआ जो भी हुआ, तो आप लोग एक बार वीडियो चेक करें। एंड देन उसके बाद गाइज मैं वो वाला सीन दिखाऊंगा आप लोगों को कि हम जब पेट्रोल पंप पे गए थे, फिर पेट्रोल पंप वाले के जो मैनेजर वगैरह जो भी था तो उससे हमें क्या रिस्पॉन्स मिला या क्या वीडियो में जो भी था आप लोगों को प्रॉपर बताएंगे। कितने का डलवाना? 400 रुपये का फोन। 400 का ले, फोन पे बोल ले, फिंगरप्रिंट लगा दूँ क्या? चार सौ का डाल दे यार भाई। पहले फ़ोन पे वगैरह करना है क्या? कर दें पहले 400 का भाई एक्स्ट्रा डाल दे यार भाई। तो गाइस आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, भाई ने 400 फीट भी नहीं किया मशीन में और सीधा तेल डालने लग गया। क्या चीज़ भाई? यह भाई स्टैंड लगाने के लिए, जैसे मेन स्टैंड नहीं होता ना इसमें, तो मेन स्टैंड का सीन है इसका ना। तो गाइस वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को गुरु ऑनलाइन बुक के बारे में बताना चाहता हूँ। इस पे कई तरीके के गेम है और आप लोग 24 आवर्स इस पे गेम प्ले कर सकते हो। आप लोग रमी सर्कल, लूडो वगैरह कुछ भी खेल सकते हो इस पे, और इसका कैश विड्रॉल बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो गाइस ये बुक इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो कि क्रिकेट वगैरह, तीन पत्ती, रमी सर्कल वगैरह पे ध्यान देते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्रिकेट वगैरह के लिए जो कि 2020 या फिर IPL वगैरह में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो जाइए इस बुक पे ज्वाइन करिए। और गाइज ये इंडिया का बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और आप लोग इस पे ज्वाइन करते हैं आप लोगों को 10% का बोनस भी मिलेगा। यहाँ पे नंबर मेंशन हो रहा होगा, इस नंबर पे जाइए और गेम वगैरह ज्वाइन करिए, और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो जाइए और गेम प्ले करिए। हो गया भाई पेमेंट चेक कर ले, 70। ठीक है, राजू। तुमने एक चीज देखी? क्या चीज? इन्होंने जो हमारे आगे स्कूटी वाले खड़े थे, उन्होंने 100 का तेल डलाया और उसने मशीन वहीं से चला दी। देखी तुमने? पता नहीं, मैंने ध्यान दिया इस पे। से मोड़ियो, चल फटाफट मोड़ जरा। पक्की बात है? हाँ मोड़। तूने मीटर जीरो होते हुए देखा क्या? मीटर जीरो नहीं था, 100 से ही चला दिया उन्होंने। बोल दे भाई, कोई स्लिप भी दे देता भाई यार, स्लिप दे देता, स्लिप 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 फिर भाई ये है भाई एक्सीलेटर दूं। सो रहा था भाई, देख पर्ची तो आई, कितने की आई हुई है? 400 है? 400 रुपये। 400 की आई? 400 की दी इन्होंने। एक बार कैमरे में देख, कैमरा ऑन था ना? कैमरा ऑन था, कैमरा ऑन है। एक बार
पक्का बता पक्की है ना? मैं देख रहा था, जब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यार। तो फाइनली गाइस अब हम उस वाले पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं, और गाइस ये वाला पेट्रोल पंप है आई थिंक वो वाला। तो मैनेजर भाई, यार पेट्रोल पंप का जो मैनेजर होगा वो यहीं पे होंगे, बात करनी थी भाई जी उनसे। कहाँ हैं? साइड में लगा रहा मैं। इनमें से कोई बंदा है जो उस दिन रात में था? ये डे शिफ्ट वाले लग रहे मुझे ना। कहाँ होंगे बंदे? आ जाए यार, भैया से बात कर लें। भैया आज से ना क्या बोलते हैं, हम 3 से 4 दिन पहले अप्रॉक्स, हमें याद नहीं है फिलहाल, हम आने का मन तो मेरा पहले का भी था, बट ये था मैं देहरादून चल गया था, मैं तेल डला के गया था 400 का, तो मेरी गाड़ी में ना 300 का डला था, मेरे पे वीडियो रिकॉर्ड के साथ ऑन कैमरा प्रूफ है। मैं इसलिए मैंने कहा भैया से एक बार नाइट के पहले तो बंदे पहचान लो, ये आपके बंदे हैं ना ये जो हैं, ये बंदे आपके ही होंगे देख लो। ठीक है, ये स्कूटी ना यहाँ से तेल भरा के गई थी। ठीक है, देखते रहना। 400 का डाल दे यार भाई। मैंने इस भाई को कहा था कि 400 का डाल दे। पहले फोन पे वगैरह करना है क्या? ये रात के 12 कितने 12:30 के आसपास की बात है, हम नाइट में आ रहे थे ना कहीं से। तो भाई मैंने कहा भाई को कि भाई 400 का डाल दे, और भाई ने सीधा नोजल उठाई और सीधा मेरे में कंटिन्यू कर दिया। 400 का डाल दे यार भाई। देखो मैंने इधर इसको बोला वो भी फ़ोन पे कर दे, भाई ने नोज़ल पकड़ी, मैंने कहा एक्स्ट्रा डाल दे, भाई ने एक्स्ट्रा की नोज़ल पकड़ी और सीधा कंटिन्यू करा वहीं से। ठीक है, और देखना भाई ने मुझसे पता नहीं क्या चीज़ पूछी कि कील क्यों निकली भी या पता नहीं क्या, जैसे मेरा मीटर पे ध्यान गया, आप मीटर की रीडिंग चेक कर सकते हो, मतलब 100+ ही है। रुक जाओ आपको हल्के से ये दिखाता हूँ, देखो 139 सीधा। कितना तेल डला आपका? अब मुझे इतना कंफर्म नहीं है, वो अगला अगर 50 का डलवा के गया होगा तो फिर मेरे आगे से रीडिंग शुरू हुई। ऐसे तो हो नहीं सकता, ऐसे कैसे नहीं हो सकता भैया? आप नोजल उठाओ कोई सी भी। अभी तेल डल रहा। अच्छा ना, वही चीज़ में कंफर्म करने आया ना भैया, मैंने कहा हाँ कोई नहीं। जी भैया, जैसे 600 का भी हो गया इसमें, अब इसकी क्या आगे जैसे अंकल या कोई भी डलवाएगा कंटिन्यू करना चाहेगा? भैया इसमें सेट वाला सीन नहीं, अगर मैंने तो मशीन को कैसे पता कि 400 पे रुकेगी वो? तो भैया ऐसे मशीन को कैसे पता कि वो 400 पे ही रुकेगी? भैया डेट अतुल याद है तेरे को कोई कंफर्म? 5-6 दिन वेट। भैया मैं ना गोप्रो में रिकॉर्ड करता हूँ अपना, तो उस दिन मेरे पे टाइम नहीं था, मेरे इस भाई ने बोला अभी कि शायद फोन में तो ली होगी आपने, कौन सा? मैंने फोन में तो आज ही ली भैया, मेरे पे आज ही टाइम लगा, तभी मैं आज ही आया, मैं फ्री नहीं रहता ना। देखो उस दिन मैं भाई से पर्ची भी लेके गया था, फिर टाइम तो बताओ, कुछ तो बताओ कुछ ऐसे। तो लगभग 4 दिन पहले की बात है। भैया मतलब मेरे को ना थोड़ा सा ये समझ नहीं आया कि मशीन में अगर फिट नहीं करा तो मशीन को कैसे पता कि 400 का ही डालना है? पता नहीं भैया, मेरे पे तो मैंने देख लो वीडियो का, अगर कोई पार्ट कट भी हो रखा कुछ भी, मेरे पे तो बिल्कुल वैसी वीडियो पड़ी हुई है। 12:20 पे पेमेंट हो रखी, तो भैया 12:18 मान लो। अच्छा अच्छा, हाँ 3-4-5-6 ठीक है, हाँ भैया 5वें नंबर की मशीन थी। देखो भैया जैसे मैंने एंटर करा ना, यहाँ भी देखना, जैसे मैंने एंटर करा, मैंने कहा 400 का डाल दे यार भाई, मैंने इसे कहा फ़ोन पे कर दे मेरा, ये देखो भाई ने नोजल पीछे मैंने कहा 400 का डाल दे यार।
ये देखो भाई ने सीधा नोजल से सीधा वैसे उठा रखा। भाई ने मुझसे यूँ पूछा भाई नॉर्मल या एक्स्ट्रा। मेरे में मतलब वैसे रिकॉर्ड हो रखा हाफ वाला पोर्शन का उधर नीचे नीचे का। ओ क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर बाद वापस भी आया फिर भाई से पर्ची भी लेके गया। भाई ने मुझे नहीं बोला यार राजू उसने ऐसे ऐसे शायद से क्योंकि तेल भी एकदम से डल गया देखो 400 का। फिर वो भाई लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कुछ तेल तो डल जाता है। अच्छा चलो कोई नहीं थैंक यू भाई जी आपने हमारा डाउट क्लियर करा ठीक है। अरे यार तुम नहीं कराएंगे अगर पड़ोसन में नहीं कराएंगे डाउट क्लियर। अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं सर मैं भी वहीं से हूँ। ठीक है अच्छा वहीं से हो गए डालीपुर से। अच्छा अच्छा मैं टकरानी पूछता अतुल बाइक के चाप भी बाइक में है हमारे पास है बाइक में ही होगी शायद से। ओके मिलते हैं भैया दोबारा ठीक है। तो गाइज अभी ऐसा सीन था मतलब हमें ही थोड़ा सा डाउट था मतलब डाउट क्या हमारी वाली वीडियो आप लोग एक बार कंटिन्यू रिपीट करके देखना मतलब उसमें ना थोड़ा सा भी ऐसा लग नहीं रहा कि हमने तेल वगैरह डलवाया नहीं डलवाया मतलब उसने नंबर फीड करा नहीं करा। तो अभी जैसा भी होगा एक बार आप वीडियो कंटिन्यू देख लो और बाकी हमें डाउट था भाई ने हमारा डाउट क्लियर कर दिया मतलब अपनी रिकॉर्डिंग में भी भाई ने प्रॉपर दिखा दिया कि 400 का ही तेल आया है। तो इसमें थोड़ी बहुत हमारी भी गलती थी बट कोई नहीं अपना डाउट क्लियर करना सबका है क्या यार। तो भाई ने हमारा डाउट क्लियर करा और भाई ने बहुत ही अच्छे से बात करी ऐसा कुछ नहीं कि हम कि हमारे पेट्रोल पंप पे ऐसा नहीं हो सकता ये वो ऐसा कुछ नहीं। भाई ने कहा चलो कोई नहीं अगर तुम्हारे साथ हुआ है तो एक बार चेक कर लेते हैं जैसा भी सीन है। तो अच्छा लगा भाई से बात करके। तो गाइस अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा हो तो एक बार डाउट चेक करवा लें अगर आप पे कुछ प्रूफ वगैरह हो। तो होप करता हूं गाइस आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी ब्लॉग में टिल देन बी सेफ राइड सेफ बाय बाय गाइस सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। ओह माय गॉड चार इक्के हम भी लेंगे।